अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एस पी लियो चैनल। आज की इस वीडियो में आप एक बहुत ही खूबसूरत और आसान फूल बनाना सीखने जा रहे हैं, और ये है नीडल ट्रिक की मदद से आप ये फूल बनाएंगे। और जब आप इसको देखेंगे बना हुआ तो आपको लगेगा कि जैसे लेडी बर्ड जो है वो सामने आपके आ गई है। और आप इस फूल को देखें कि एम्ब्रॉयडरी की फील्ड में जहाँ नए नए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं और नए से नया स्टिच इन्वेंट होता रहता है और लोग कैप्चर कर रहे होते हैं, तो इसी तरीके से नया ट्रिक भी सामने आता है एम्ब्रॉयडरी को आसान बनाने के लिए और ख़ूबसूरत और कम टाइम में ज़्यादा अच्छी चीज़ बनाने के लिए जो ट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं। उनमें से एक ट्रिक ये भी है कि नीडल की मदद से आप बहुत खूबसूरत फूल बना सकते हैं। और आप इसको देखें कि स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे आपने नीडल के इर्द-गिर्द पहले एक थ्रेड को आपने फोल्ड किया, फिर उसके बाद आपने एक दूसरे धागे से उसको उसके एजेस को बंद कर लिया, फिर क्रॉस में आप फिर दोबारा से नीडल लगाएंगे और उसके ऊपर यही जो प्रोसेस है वो आपने रिपीट करना है कि कैसे। ये देखिए आपने फ़िक्स कर ली और अब आप यहाँ से निकालेंगे अपनी सुई को दोबारा से, और ये रेड कलर का थ्रेड इसमें यूज़ हो रहा है। और ये देखिए आपने इसको तीन दफ़ा इसको आपने राउंड दे के, और इसके बाद आपने यहाँ से नीचे कर दें, ये आपने कर लिया। बहुत कम टाइम में बहुत खूबसूरत फूल ये बन जाता है। आप देखें कि इसको बनाने में हार्डली 2 या 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन जब फूल बन के सामने आता है तो ऐसा खूबसूरत फूल सामने आता है कि आप देखेंगे जब फाइनल रिज़ल्ट तो आपको ख़ुद भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा घर में और आपको बना के बहुत ही अच्छा लगेगा। आप कहीं पर भी इसको इस फूल को डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं, जहाँ भी आप एम्ब्रॉयडरी करना चाह रहे हैं तो इस ये फूल जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आप देखें यहाँ से आपने इस नीडल को निकाल लिया और अब यहाँ अपने ग्रीन जो मैं धागा आप देखें यूज़ कर रही हूँ, इसके से आपने इसको यहाँ से सेंटर से इसको क्रॉस जब लगाएंगे तो आपको 4 छोटे-छोटे लेडी बर्ड्स जो हैं वो पेटल्स इसकी बेसिकली बनी है, लेकिन वो की शक्ल जो है वो ऐसे छोटे-छोटे लेडी बर्ड्स की तरह से आ रही है। आप देखें ये खूबसूरत तरीके से ये आपका फूल तैयार हो गया, छोटा सा 4 पेटल्स का बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर जो है वो आपके सामने बन गया है। अब आप इसको थोड़ा सा इसकी पत्तियाँ बना लें, और पत्तियाँ चूँकि छोटा सा फूल है तो इसके लिए आपने कोई लंबी चौड़ी ज़्यादा बड़े बड़े पत्ते बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप चेन स्टिच यूज़ करते हुए 2 चेन्स भी अगर साइड पे बना दें तो ये फूल जो है वो बहुत ही सज जाएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी गाइडलाइन हो सकती है, जो अभी अभी एम्ब्रॉयडरी सीख रहे हैं और वो ट्रिक्स जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो आसान तरीके से एम्ब्रॉयडरी करें और आसान तरीके से बहुत ही खूबसूरत फूल जो है वो बना सकें, तो ये एक उनके लिए अच्छी गाइडलाइन हो सकती थी ये वाली ये ट्रिक। तो आप देखिए ये आपका फूल जो है यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद फिर मुझे बताएं कि आपका फूल जो है वो उसकी शक्ल कैसी बनी है, इस तरह से बन गया कि नहीं बना और कितना आसान आपको लगा है बनाना। ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगले ट्यूटोरियल में यकीनन मैं एक और बहुत खूबसूरत ट्रिक के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।